गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आपका अनअकैडमी स्टूडियोज ब्रिज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, थोड़ा सा प्रोटेस्ट चल रहा था और इस वजह से नेट की बार बार दिक्कत आ रही है। मैं कल भी आपको बोला था, सुबह भी मॉर्निंग बात हुई मेरी आपसे, तो नेट का इशू चल रहा है। बार बार गवर्नमेंट नेट को बंद कर रही है, इस वजह से मेरी क्लासेज डिस्टर्ब हो रही हैं। बट आप मेरे साथ बने रहिए और चीज़ें आगे अच्छी हो जाएंगी। जैसे ही नेट का कनेक्शन ठीक होता है तो चीज़ें आगे बढ़िया चलती रहेंगी। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नेक्स्ट सेशन। तो अभी जो आप सामने जो स्लाइड देख रहे हो, ये स्टूडियो ब्रिज की टीम है जो गेट की फील्ड में पढ़ा रही है। तो 6 फैकल्टीज अभी आपके मेंटर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं गेट की फील्ड के लिए। मैं गौरव बाबू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सेशन ले रहा हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं मुझे या देख रहे हैं, तो मैं बता दूँ दोस्तों, मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहा हूँ और एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मॉर्निंग में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और SFD BMD ऑलरेडी मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता चुका हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत डेप्थ में हमने पढ़ाया उसको, बट हाँ बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया SFD BMD की, कैसे उसको हमें डील करना है। क्योंकि SFD BMD को समझने के लिए थोड़ा सा ना हमें डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हमारे पास था नहीं और ऑलरेडी हम लोग गेट टू टाइम 20 के लिए पढ़ रहे हैं और क्रैश कोर्स की तरह इसको पढ़ रहे थे। तो हो सकता है आपकी कुछ क्वेरीज में बची हो कि सर ऐसा कब है, वैसा कब है। वो सारी क्वेरी का आंसर मैं दूंगा दोस्तों जब मैं डिटेल में स्टार्ट करूंगा सिलेबस अनअकैडमी प्लस पे, जो कि मिड ऑफ जैन से चालू होगा गेट 2021 और 22 के लिए। फिर से सुन लें, गेट 2021 एंड 22 के लिए फुल डेप्थ कोर्स स्टार्ट होगा गेट 2021 और 22 के लिए मिड ऑफ जनवरी से, ठीक है। बाकी अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो केवल गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, बाकी आगे हम जब मूव करेंगे तो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, विच इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें मैं आपको केवल फॉर्मूलाज पढ़ाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उन फॉर्मूलाज की हेल्प से कैसे हम गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये गेट को क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो आइए दोस्तों, लेट्स क्रैक इट। ये मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में स्लाइड है, तो लिटल इंट्रोडक्शन है मेरा यहाँ पे, एज यू कैन सी हियर, दिस इज माय नेम गौरव बाबू। और ये सारी चीज़ें मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, तो ज़्यादा समय मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। बाकी बस इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो जो लिंक मैंने दिया था उसको फॉलो कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। ये सुबह 11 से 11:30 में मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ अ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। और इवनिंग में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। इवनिंग में 9:30 से 9:30 सॉम चल रहा है। यूट्यूब की क्लासेस की बात चल कर रहा हूँ मैं, बाकी का प्लस का कोर्स अलग है, ठीक है। तो यूट्यूब पे मैं सुबह 11 से 11:30 प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ और इवनिंग में 9 से 9:30 सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मेरे अलावा और भी एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के ऊपर पढ़ा रहे हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी प्लस, दिट इज़ अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, तो आई वॉन्ट टेक मोर टाइम हियर। बाकी बस इतना ही बोलूँगा कि जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, एक बार मेरे प्रीवियस वीडियोस को एक बार चेक कर लीजिए, तो डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अनअकैडमी प्लस हमें क्यों ज्वाइन करना है, क्या इसके फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में पढ़ा रखी हैं। तो मेरे स्टार्टिंग के वीडियोज़ को आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लीजिए, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। रही बात गेट के सब्सक्रिप्शन की, तो यहाँ पर गेट के कई सारे सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा समय फिर नहीं लूँगा, बस आपसे इतना ही बोलूँगा कि जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेने जा रहे हैं उसको लेने से पहले GPS लाइव कोड को डाल दीजिए। जैसे आप इस कोड को डालेंगे GPS लाइव, ये एक रेफरल कोड है, माइंड इट प्लीज, ये रेफरल कोड है, यस। जैसे आप इस कोड को डालेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट का? 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके लिए करना क्या है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, गेट सेक्शन को चूज़ करना है या IS सेक्शन को चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ से जो भी आप सब्सक्रिप्शन को सेलेक्ट करते हैं वो लेना है और GPS लाइव कोड डाल देना है। फॉर एग्जांपल 24 महीने के सब्सक्रिप्शन की टोटल फीस 40,000 रुपये है, लेकिन जैसे आप GPS लाइव कोड को डालेंगे ये फीस 36,000 रह जाएगी। 4,000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि 40,000 का 10% कितना हो गया? 4,000। तो 4,000 का डिस्काउंट दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा, फीस रह जाएगी 36,000। ये 24 महीने की फीस है, इसको 24 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा ये? 1500, यानी 1500 रुपये पर मंथ, 1500 रुपीज पर मंथ आपको ये पढ़ने वाली है, ठीक है। और 1500 रुपीज पर मंथ में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो सोचिए थोड़ा सा अपने बेटरमेंट के बारे में, अपने बेटर भविष्य के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ऑफ इलास्टिक बीम्स।
तो टॉपिक जो है वो है डिफ्लेक्शंस, ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ इलास्टिक बीम्स, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ इलास्टिक बीम। इलास्टिक बीम्स का मतलब हम लोग जो बीम पढ़ने वाले हैं वो इलास्टिक बीम होंगे। इलास्टिक बीम का मतलब है कि वो विद इन इलास्टिक लिमिट डिफॉर्म करेंगे, ठीक है, और रिजिड बीम नहीं होना चाहिए। रिजिड बीम का मतलब उसमें स्लोप वगैरह नहीं आएगा फिर, है ना, वो डिफ्लेक्ट वगैरह नहीं कर सकता, उसके अंदर उसका जो कर्वेचर है वो नहीं बनेगा। तो हम लोग जहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो इलास्टिक बीम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बीम शुड नॉट बी रिजिड, बीम रिजिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो पार्ट हम पढ़ेंगे, दो ही चीज़ें मैं आपको फिलहाल यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, एक कैंटिलीवर बीम के स्लोप एंड डिफ्लेक्शन और एक सिंपली सपोर्टेड बीम के, यही दो हमारे कोर्स में है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में, ठीक है। और कैंटिलीवर बीम के मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं गेट के अंदर, ठीक है। तो सी एवरीवन, सबसे पहला जो पार्ट होगा हमारा वो हम पढ़ेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम्स। कैंटिलीवर बीम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें मैं बिल्कुल कोई भी मेथड आपको नहीं बताने वाला, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं और उस डायरेक्ट फॉर्मूला को आप डायरेक्टली पुट करेंगे और आपके सारे आंसर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहला जो केस आपको याद रखना है कैंटिलीवर बीम के केस में, मैं आपको बता दूंगा, तो सबसे पहला केस ये है कि एक कैंटिलीवर बीम होगा, Having length L, इसकी length L है, ठीक है, इसकी flexural rigidity EI है, EI इसकी flexural rigidity है, ठीक है। और जो case first है वो ये है कि इसके free end पे एक couple लगा हुआ है, एक moment लगा हुआ है like this M, ठीक है, इस तरह से एक एम मूवमेंट लगा हुआ है। और जब ये मूवमेंट इस तरह से लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, इस बीम को इस तरह से डिफ्लेक्ट कर देगा, कर देगा। तो इसके फ्री एंड पे, लेट अस अज्यूम दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो आपको बी, बी मतलब फ्री एंड, फ्री एंड के स्लोप और डिफ्लेक्शन पता होने चाहिए। तो इस केस में जो स्लोप की वैल्यू आएगी थीटा एट बी, That would be equal to ML upon EI, where M is the applied bending moment, L is the length of the beam, and EI is the flexural rigidity of beam. तो इस केस में जो स्लोप की वैल्यू होगी दैट इज एम एल अपॉन ई आई, ठीक है, और इस केस में जो डिफ्लेक्शन होगा एट पॉइंट बी इट विल बी एम एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई। दो फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला डिफ्लेक्शन का, एक फॉर्मूला स्लोप का। ये दो फॉर्मूला आपको याद कर लेने हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे सॉल्व करने हैं, मैं से कहूंगा। बस फिलहाल आपको ये याद रखना है कि अगर एक कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट एम लगा हुआ है तो उसके लिए स्लोप की वैल्यू होगी एम एल अपॉन ई आई और डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी एम एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा केस टू देखते हैं, सेम कैंटिलीवर बीम, सेम वही फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई, लेंथ एल, एंड इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर शीयर लोड ऑफ मैग्नीट्यूड W एट इट्स फ्री एंड। तो A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, ऐसा करने से क्या हुआ, दिस बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस, इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है दोस्तों। और अगर इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी तो अगेन अब यहाँ पर स्लोप और डिफ्लेक्शन हम लोग निकालेंगे। तो इस केस के लिए जो फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन होगा, स्लोप होगा
स्लोप का मतलब थीटा बी दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई। और इस केस के लिए जो डिफ्लेक्शन होगा फ्री एंड पे दैट इज डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द बीम, डब्ल्यू इज द अप्लाइड लोड एंड ई आई इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ बीम। ठीक है, तो टोटल फॉर्मूले हो गए चार, दो केस हो गए, हर केस का एक एक फॉर्मूला है। जैसे इधर बात करूँ इस केस में स्लोप और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, सिमिलरली इस केस में स्लोप और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, दो चार फॉर्मूले टोटल अब तक हो चुके हैं, ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। वन मोर थिंग, आप लोग जानते होंगे कि अगर मैं फिक्स्ड एंड की बात करूँ तो थीटा एट ए कितना होगा जीरो, सिमिलरली डिफ्लेक्शन एट ए कितना होगा जीरो। इस केस में भी थीटा एट बी कितना होगा, थीटा एट ए स्लोप एट फिक्स्ड एंड दैट विल बी जीरो एंड डिफ्लेक्शन एट द फिक्स्ड एंड अगेन विल बी जीरो, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालेंगे तो वो ओरिजेंटल लाइन बन जाएगा, ओरिजेंटल लाइन बन गया मतलब स्लोप जीरो हो गया और इस पॉइंट का कोई भी पार्ट नीचे नहीं गया मतलब डिफ्लेक्शन भी जीरो है। ठीक है, तो कुल मिला के ये तो हमें पता ही है, बस हमें ये फॉर्मूला याद रखने हैं, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये और दो फार्मूले पिछले, दो केस हो गए। अब तीसरा केस देखते हैं, कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल, मैंने आपको बताया था यूडीएल का राइट रिप्रेजेंटेशन, याद रखेंगे इसको, है ना, कुछ लोग गलत पढ़ा देते हैं उसको, है ना, तो ये मैंने आपको यूडीएल के बारे में बताया था कि यूडीएल किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। नाउ इन दिस केस बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस अगेन, ठीक है, हेयर दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, बीम की फ्लेक्चर रिजिडिटी अगेन ई आई है, ठीक है, और लेंथ एल है और यहाँ पे जो लोड है इसका मैग्नीट्यूड डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इस केस के लिए स्लोप एट बी डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड दैट इज अ बी पॉइंट इज डब्ल्यू एल फोर अपॉन एट ई आई। ठीक है, बाकी अगेन ए पे स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है। एक केस और है, लास्ट वन, इस केस को आप याद रखेंगे, केस नंबर फोर, कैंटिलीवर बीम विद यूवीएल यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, माइंडेड वेयरिंग लोड लगाया कैसे वो देख लीजिएगा एक बार। इस लोड का मैग्नीट्यूड जीरो किस तरफ है, फ्री एंड पे, और फिक्स्ड एंड पे मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यहां पे आते आते मैग्नीट्यूड हो जाएगा डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, और फ्री एंड पे कितना मैग्नीट्यूड है यहां पे जीरो, इस बात को याद रखेंगे। उल्टा नहीं लगा देंगे इस तरह से, यहाँ नहीं बना देंगे उल्टा, इस तरह क्वेश्चन में आगे सॉल्व कराऊंगा, आपको फिलहाल नहीं बनाना है, ठीक है, इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो गलत हो जाएगा, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ लें। फिक्स्ड एंड पे मैग्नीट्यूड कितना है W और फ्री एंड पे मैग्नीट्यूड कितना है जीरो, लोड कैसा है UVL, इसको UVL बोलते हैं, बीम का लेंथ अगेन L है एंड द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी अगेन EI है। अब जब ये वाला केस होगा तो इस केस को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है वो समझ लें। तो इस केस के लिए जो फ्री एंड पे है, यानी कि ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, इस केस के लिए बी पॉइंट यानी कि फ्री एंड पे जो स्लोप होगी दैट इज डब्ल्यू एल क्यू अपॉन
24EI और जो डिफ्लेक्शन होगा दैट इज WL4 अपॉन 30EI। ये फॉर्मूलाज कैसे आए बेटा ये सब मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, तो ये सब फॉर्मूला पे भी आपको गौर भी नहीं देना है, मतलब ये कहाँ से आए उस पर गौर नहीं देना, लेकिन हाँ ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ठीक है। टोटल कितने फॉर्मूले हो गए दोस्तों, 4 केस हैं और हर केस में 2-2 फॉर्मूलाज हैं। वन मोर थिंग, आपको एक बात और याद रखनी है, ये जो मैं बी पे स्लोप निकाल रहा हूँ या डिफ्लेक्शन निकाल रहा हूँ, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम स्लोप है, ये क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन।